तो क्या कहेंगे, बुरा बोलते नहीं है लेकिन बुरा हाँ देखते हैं, तो ये सब आ जाएगा, सी नो इविल थिंक नो इविल टिक, और फिर जो देखेंगे करेंगे वो तो सोचेंगे, कहते मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं है दुनिया में, जो कहते हैं ना, क्यों कभी बुरा नहीं सोचा किसी ने? दीदी आप दीदी अनम्यूट करना, अनम्यूट नो साउंड दीदी, दीदी अनम्यूट करो। तो ये बुरा सोचने में आता है ना सारा, इसको तो बुरा सोचना आवाज हर्ट बहुत कम है फीलिंग, दीदी, आवाज बहुत ही कम है। शी ये स्लो करो, इज नॉट लिसनिंग दीदी, आवाज बहुत कम है। ये ऐसा वो वैसा घरों में, फिर बुरा सोचना, फिर बुरा सोचेंगे तो बुरा, फिर फाइनल वापस साइक्लिक फैशन है। अच्छा ओके, बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा 30-4 के महावाक्य, मीठे बच्चे बाप आए हैं दीदी तुम्हारा। आ रही है अभी साउंड, सब ठीक है अब? ठीक है, कम ठीक बहुत है कम दीदी, है। नहीं ठीक है अब तो। बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने, नहीं इधर कम करो कम करो, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने, उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना है। अच्छा प्रश्न है, कौन सी एक छोटी सी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? डाउट आया थोड़ा सा भी, इसको कहेंगे संशय बुद्धि। कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती? दीदी श्रीमत में मन्मत या परमत मिलाना। श्रीमत में परमत मिलाना। अच्छा या मन्मत मिलाना। ओके, और कौन सी छोटी सी बात निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बना देती? श्रीमत में परमत मिलाना और श्रीमत पर विश्वास नहीं होना, संशय श्रीमत बुद्धि आ जाती है श्रीमत पर। कोई परिस्थिति आए, हेल्प नहीं दिख रही है बाबा की, इतना योग किया तो फिर लगता है कि पता नहीं क्या है, बहने बोल रही है कहीं हम फंस तो नहीं गए। तो निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी सी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते वह सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। ऐसे कमजोर बच्चों को भी तो फिर संशय बुद्धि होंगे तो सर्विस नहीं होगी, अगर सेवा नहीं करेंगे तो विकारों को जीतने की मेहनत फील होगा। ऐसे कमजोर बच्चों को भी रहमदिल बाप राय देते, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं सर्विस भी नहीं करते तो बाप को तो याद करो, उतना नहीं है तो एटलीस्ट बाप को तो याद करो। अच्छा गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, ओम शांति। ये किसकी महिमा है?
मात पिता की, तुम उस मात पिता के बच्चे हो, उनको कहा जाता है बेहद का रचेता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, जगत अम्बा और जगत पिता, ब्रह्मा के भी चित्र है, सिर्फ भिन्न चित्र बना दिए है। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सत्युग में अथाह सुख था, अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती, यह बेहद के माँ बाप की बात। परम पिता परमात्मा को ही मात पिता कहा जाता है, परंतु वह है निराकार। तो यह तो बहुत बार समझाया जाता है कि नई रचना नए धर्म के लिए यह नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अभी है नहीं, कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा देवी देवता धर्म है, क्योंकि देवी देवता धर्म कह ही नहीं सकते, क्योंकि क्योंकि वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे। देवी देवता धर्म सनातन कह देते, लेकिन कंप्लीट देवी देवता धर्म नहीं कहते, क्योंकि वो तो संपूर्ण पवित्र थे, निर्विकारी थे। देखो, निर्विकारी और पवित्र, विकारी पवित्रता तो है ही है, लेकिन और भी कोई विकार ना हो, तो देवी देवता धर्म मतलब संपूर्ण निर्विकारी। तो परमपिता परमात्मा को ही मात पिता कहा जाता है। अभी है सब विकारी, और धर्म प्राय लोप भी जरूर होने चाहिए, तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चों को बाप और वर्षे को याद करना है, वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले फिर बाप को याद करते हैं। अच्छा, जन्म तो लिया, परंतु थ्रू किसके? देखो, वर्षे के लिए वो उसका बच्चा होना जरूरी है ना, तभी तो वर्षा मिलेगा। तो ब्रह्मा का वर्षा होना जरूरी है, तो बाबा इसलिए कहते हैं। तो याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया माँ, तो ब्रह्मा को क्यों हमने रखा है मात पिता? कई कहते हैं ना, ये बाबा के कमरे में ब्रह्मा की फोटो क्यों रखी है? मात पिता की फोटो है ना दोनों। तो परंतु कोई को निश्चय नहीं, कोई को निश्चय, कोई को नहीं है। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है, माया गुटका दिलाती रहती है, कहां न कहां फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने वाली चलने वाले अपने भूलों के भ्रम में फंसते हैं। भूल भूल को कभी राइट सिद्ध करते हैं, भूलों के तो बहुत सारे। तो बाबा कहते हैं निश्चय है तो फिर सब बातें छोड़ देते हैं, सुनना है और सुनाना है। कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते, तो बाबा क्या कहेंगे? बाप को याद करो, तो एग्री कर लेना, कोई बात नहीं, सर्विस नहीं कर सकते मत करो, मतलब करो ना सर्विस। बाबा कहते सर्विस नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे। प्रजा तो बनो, प्रजा बनाना एक होता है वाचा सेवा, एक होता है प्रजा बनाने के कार्य में सहयोग देना, वो भी तो सारा प्रजा बनाने की सेवा है। कोई सेवा हो रही है उसमें मैं कुछ भी सेवा सहयोगी बनता हूं। तो अच्छा, और कुछ नहीं करते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो, अब इतना भी नहीं कर सकते, स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती, फिर भी बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु
पद कम मिलेगा। बाप समझाते हैं भक्ति का पाठ अब खत्म होना है, भक्ति का फल देने बाप आए हैं। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो, पहले पहले करते हो शिव बाबा की और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए हैं, कितने सत्संग होते हैं। जहां ये सब चीजें बहुत है या वहां फिर कुछ भी नहीं रहेगा। समझ में आया मीनिंग? जहां ये सब चीजें बहुत है वहां फिर ये कुछ भी नहीं रहेगा। क्या कौन सी? बाबा ने पहले स्टेटमेंट में क्या देखा कहा, उससे कनेक्ट करना है। बोलो पहले स्टेटमेंट में क्या कहा? भक्ति सत्संग वगैरह। क्या हो गया? विनाश हो जाएगा। गली गली में मंदिर बहुत है ना, कितने सत्संग होते रहते हैं। तो बाबा कहते जहां ये बहुत है अति का अंत, हर चीज में अति का अंत होना है, वहां कुछ भी मंदिर नहीं, ऐसा हो जाएगा। एक भी मंदिर नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है, द्वापर कलयुग है, भक्ति का भक्ति मार्ग का युग, तमो प्रधान बनने का युग, और द्वापर कलयुग भक्ति का युग, और सत्युग, हाँ तमो प्रधान बनने का युग। अब बाप इन सब झंझटों से छुड़ाते, भक्ति और तमो प्रधानता स्टार्ट इकट्ठे स्टार्ट होती है ना, है ना? ये तो क्लियर हुआ। तो अब बाप इन सब झंझटों से छुड़ा देते, कहते हैं बच्चे यर नो इविल सी नो इविल। क्यों, भक्ति में इविल सुनते हैं क्या? बाबा कहते यर नो इविल सी नो इविल। ये सब झंझटों से छुड़ा देते हैं। कितनी एक्चुअली अगर माइथोलॉजिकल स्टोरीज देखो भी जो बनाई है फिल्में या सीरियल्स है, तो उसमें तो लड़ाई झगड़ा कितना है, नहीं है? ईर्ष्या द्वेष फिर लेग पुलिंग ये सब तो दिखाया है। तो एक हम लोग ये एक नृत्य नाटिका की थी ज्ञान में, तो उसमें ये बताया कि वो रामायण सुन रहा था, दुखी हो रहा था, फिर महाभारत वैसे सुनने लगा, तो वहां फिर लड़ाया ईर्ष्या द्वेष, फिर भागवत सुना, फिर वहां तो वहां भी यही स्टोरीज इसी तरह की, मतलब एक 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 कृष्ण अवतार में एक एक असुर आते हैं। बोला मैं तंग आ गई और मुझे कोई शांति चाहिए। जनरली इस पर फोकस है ना, केवल गीता पर या ज्ञान पर अगर वो होता तो फिर भी ठीक है भक्ति। तो बाबा इसलिए कहते हैं अब इन सब झंझटों से छुड़ा देते। तो रजिस्टर क्या होता है, ये सब आत्मा में। देखो यहां मैंने सत्संग में ये सुना, बाहर दुनिया में वैसे देख रहा हूं प्रैक्टिकली करप्शन बहुत है, ये ईर्ष्या बहुत है, द्वेष बहुत है। अच्छा सीरियल्स में दुनियावी जो आजकल की सीरियल्स है उसमें फिल्मों में वो देख रहा हूँ, तो कौन से संस्कार आत्मा के स्ट्रेंथन होते जाएंगे? तो इसलिए बाबा कैसे कितना फोकस कराते कंप्लीटली, पहले तो सबसे पहले ये वाले देखो ही नहीं, तो ये वाला स्टॉप हो गया। दूसरा जो फिजिकल आर्टिफिशियल दिखा रहे हैं उसमें तो फिर इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, क्योंकि फिर ज्ञान इसके जगह ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनते जाएंगे तो फिर वो आर्टिफिशियलिटी में भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सीरियल्स अच्छा लगेगा, ये ईर्ष्या कर रहा है लाइक पुलिंग कर रहा है वो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो दो सोर्स तो बहुत बड़ा कम हो गया। रियल में जो हो रहा है वो ठीक है,
उसके लिए फिर वो शक्ति आत्मा में तब तक ताकत हो जाए। हाँ जो भी बाबा के बच्चे है सच्चे बच्चे, इंटरेस्ट ही नहीं आता है जो सोच क्यों रहे हो बने बनाए कौन है जो बिल्कुल सीरियल्स नहीं देखते है? फिल्मों की तो बात ही छोड़ो। दीदी ज्ञान में आने के पहले ही छूट गए थे सीरियल्स तो। वंडरफुल सारे कौन कौन हाथ उठा दीदी मैं भी नहीं सुनती हूँ एकदम। हाथ उठाओ मैं कोई हाथ उठाओ सिर्फ पता चले दीदी मैं भी कोई सीरियल ही देखती हूँ। वंडरफुल फिल्म तो आउट ऑफ क्वेश्चन, वो तो खैर वो तो क्या बोलते हैं उसका रिफाइंड फॉर्म है वो तो और आगे कष्ट है। दीदी 2 साल से टीवी नहीं देखा है। वंडरफुल टीवी भी नहीं देखा टीवी के अंदर की चीजें नहीं देखी। वेरी गुड कुछ वेरी गुड। चलो भाई बधाई। 45 साल से हमने कुछ नहीं देखा। खुला भाई तू। वंडरफुल चलो बधाई। तो कितना बड़ा सोर्स खत्म हो गया, एक सोर्स दो सोर्स हमारे खत्म हो गए और ज्ञान का सोर्स बढ़ गया। अब ये आत्मा ही देवता बनेगी नहीं तो क्या बनेगी फिर, इन्हीं को तो ले जाएगा स्वर्ग। लोग सोचते हैं बहुत अच्छा है बहुत समझदार, मतलब तुम्हारे ज्ञान के अकॉर्डिंग है, शायद तुम्हारे ब्राह्मण में भी ऐसे गुण नहीं है, इतना गुण है उसमें, पर जो व्यवहार है मतलब फिल्म देखना है टीवी देखना है वो सब देखना है, व्यवहार अच्छा है आ जाएगा स्वर्ग में। तो ये सब है कहते हैं बहुत अच्छा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हाँ ये भी होता। तो ये पुरानी दुनिया है, सी नो इविल यर नो इविल, देह सहित इन सबसे ममत्व मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है, जब स्थापना हो जाए तब तो चलेंगे ना। यह है पुरानी दुनिया दुखधाम, ये अंतिम जन्म है। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, मात पिता की गोद में हो। लॉ मुजीब, ये बाबा का बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है, लॉ मुजीब बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं। तो ये माँ हो गई, लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर विश्व बाबा तरफ चली जाती है। माँ हमारी, बोलो विवेक पर, हमारी माँ ब्रह्मा लॉ मुजीब, पर शिव भी फिर भी याद करना शिव बाबा को हो। तुम सजनिया भी हो, शिव बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने। ज्ञान और योग से तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं, सिर्फ तुम नहीं हो, ये आवाज तो सब सेंटर्स पर सुनते हैं, हजारों सुनते रहेंगे। सभी का श्रृंगार होता रहता है, कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते बाबा किसका मिसाल देते ऐसो के लिए, ज्ञान योग का श्रृंगार किया, सेंटर पे आए, फर्स्ट क्लास धुलाई की, पूरा श्रृंगार किया, पाउडर वाउडर लगाया बाबा ने पूरा, और फिर बोलो बोलो बाबा कहते हैं, बाबा गधे का मिसाल देते, उसको नहलाते उसके बाद फिर वो मिट्टी में लौट जाते, श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते। कितना अच्छा पवित्रता का श्रृंगार किया, फिर बाहर जाके ऐसे नहीं करोगे, आपके लिए थोड़ी है। नहीं ना नॉर्मल पहले अच्छा अभी तो नहीं है ना, गए अब पुरानी दुनिया। बाबा कहते हैं फिर ऐसा नहीं करो भाई, तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। यहां से गए पार्क में गए और फिर इतनी अच्छी अच्छी बातें की, और फिर पार्क में जाते हैं और वहां क्या बातें करते फिर, तो फिर क्या फायदा, फिर यहाँ का पूरा श्रृंगार किया उस, अगर पार्क में जाते हो जाओ जो भी करना है फिजिकल एक्सरसाइज करो, लेकिन उसको बस सुनो क्या, फिर यही वाली बातों का मंथन करो और सुनो,
और दोबारा मुरली सुनो, सुनना ही है ना कुछ, इधर उधर की बातें करो, ये सब देखो करो, फिर क्या न्यूज़पेपर पढ़ो उसके बाद, मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। चलो ये देखना है कितने बाबा गधे का मिसाल देते, तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। कहते है बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते हैं तुम कुल को कलंक लगाने वाले हो, विकारी विकार में गए, बाप की भी निंदा की तो बच्चों की भी निंदा कराते हो, तुम तो और ही गिर पड़ेंगे, कुल को कलंक लगाया। इस काम महाशत्रु पर पूरी जीत पानी है, बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, बाप पे स्वर्ग का रचेता, सो तो जरूर स्वर्ग का मालिक मालिक बनाएंगे ना, स्वर्ग का रचेता है, स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। जो ये सहज राजयोग सीखेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आएंगे। भले समझते हैं कि ये नई दुनिया गॉड फादर रचते हैं, बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते हैं ये राज तो जब कोई समझावे। भल जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति तो भारतवासी खुद ही नहीं जानते, तो औरों को क्या बताएंगे। तुम बतला सकते हो भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता, भारत जैसा माला माल और कोई खंड नहीं। अभी अमेरिका आदि के पास भल बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में तो यह जैसे कौड़िया है, लूट ले गए ना। एक्चुअली हिस्ट्री पूरी ये बताती है, पूरा लूट के लेके गए। तो अभी भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है, सभी आत्माओं का बाप भारत में आते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने, सबको लिबरेट करते हैं, महिमा है तो उनकी, फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए, परंतु गीता में नाम गुम कर दिया इसलिए महत्व कम कर दिया। क्रिश्चियन लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी तो वे भी फिर ग्लानी की बातें सुनाए, अपने धर्मों में बहुतों को कन्वर्ट करते गए। कुछ तो वीकनेस रही होगी ना हिंदुइज्म में, विशेषकर इस तरह से अगर प्रोजेक्ट किया स्टोरीज में, ऐसे ऐसे बताया, रिचुअल्स है, हाँ उसके पीछे लॉजिक नहीं समझाया, कुछ रिचुअल्स के कारण, कुछ ये स्टोरीज के कारण, कस्टम्स के कारण, हाँ एक गॉड नहीं था ये, इसके कारण भारत नहीं, बाकी मतलब मेन तो भारत ही है ना, भारत में ही तो सारा क्रिश्चियनिटी का बॉर्न यहां से हुआ, बुद्धिज्म यहां से शुरू हुआ, बौद्ध बौद्ध तीर्थ कितना बड़ा है, बुद्ध है ना गया। तो बाबा कहते हैं बाप भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है, सभी आत्माओं का बाप भारत में आते हैं, इसलिए नरक को स्वर्ग बनाने। भाई जहां फादर, जहां ग्रैंडफादर होता, एंसेस्ट्रल प्लेस कौन सा होता है ना, पूरे सब धर्मों का पिता वो इधर आता है, सबको लिबरेट करते हैं, महिमा तो है उनकी, फूल भी उन पर चढ़ाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम कर दिया है। हाँ और फिर उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, अपने धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते गए, रिचुअल्स आदि कस्टम्स बहुत सारी बातें थे जो इजीली कन्वर्ट हो गए। तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, स्वर्ग की स्थापना होती है। वह है शिव बाबा, तुम हो शिव शक्ति भारत माता है और तुम हो गुप्त, तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने, तुम ही जानते हो बरोबर हम शिव शक्ति पांडव सेना है,
तो ये नई राजधानी स्थापन हो रही है, यह है पुरानी पतित दुनिया, और वह है, यह है पुरानी पतित दुनिया, वह है पावन नई दुनिया, पवित्र नई दुनिया। इस पतित दुनिया में पावन कोई हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में देखो क्या क्या बातें लिख दी है, सुनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं, रच पच के वो सुनाते हैं, हमको एकदम बहा देते हैं ना उसमें। तो शास्त्र भी सुनते आए, सात रोज का पाठ भी रखते आए, इतना अच्छा अच्छा सुनाते हैं, और फिर उनको पूछो पर्सनल लाइफ में, तो वो तो हम तो करेंगे, हम तो शादी तो करेंगे, सुनाने में इतना अच्छा, तो फिर धारणा क्या की, फिर वही हो गया ना, वो तो बिजनेस हो गया ना फिर तो, या पॉपुलैरिटी चार्ट अच्छा हो जाए। रुद्र यज्ञ आदि भी रचते आए हैं, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, चाहे कुछ भी करे, परंतु वापस तो एक भी जा नहीं सकता। मनुष्य को ज्ञान ही नहीं, भाई रास्ता बताने वाला बताए तब तो जा सकेंगे, या ले जाने वाला आया, दो चॉइस है जाने के लिए, मोक्ष चाहिए वो चाहिए, कब हो सकता है। तो बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, वापस तो कोई जा नहीं सकता। मनुष्य को ज्ञान ही नहीं तो शास्त्रों का कनरस बहुत अच्छा लगता है ना। वैसे अभी ज्ञान सुनने के बाद अब शास्त्र अगर पढ़ना है पढ़ सकते हैं, पर समझ में अच्छे से आएगा एक्चुअली देखा जाए, और फिर जो मेन जो वैसी वैसी बातें उनमें सुनने का इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। हाँ, जो ज्ञान की बातें वो अच्छी लगेगी उसमें से भी, उसने रावण ने ऐसा आंख दिखाया, फिर उसने ऐसा किया, फिर उसने ये तीर भेजा, फिर उसने वो सब नहीं है। हाँ, जहां 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 ज्ञान की बात है उसमें मजा आएगा। तो आसुरी सिर्फ मुझे याद करो, तुमको तो अभी वो भी अच्छा नहीं लगता। देखो, मनुष्य को ज्ञान नहीं तो शास्त्रों का कनरस बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तुमको तो अभी वह भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बात राइट है राजू बहन? राइट बोल रहे बाबा, पहले बहुत अच्छा लगता था पर अभी फर्क है। सुमन बहन, बाबा देखो कह रहे, आपकी बात कह रहे, अगर राइट है तो तुमको अभी वह भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते यर्न इविल, ठीक है, क्या है ये ऐसा वो वैसा, कितनी बार सुन ली ना, ठीक है। उन्होंने यही बताया कि पॉजिटिव का नेगेटिव पर विजय क्या होता है, लेकिन फिर इतना डिटेल में सुनने की जरूरत क्या है। तो बाबा कहते यर्न इविल, आज शास्त्रों के बात को कनेक्ट करके बाबा कह रहे यर्न इविल सी नो इविल थिंक नो इविल, मतलब ये सब छोटी छोटी इधर उधर की इसके ये ऐसा है वो वैसा है ये वैसा है ये ऐसा है, फिर क्या है, जिसको इसमें इंटरेस्ट होगा ना, चाहे जैसे शास्त्रों में है या तो रियल बात में भी, अच्छा क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मतलब उसमें भी बहुत इंटरेस्ट से समझेगा उसको, सुनेगा उसको, और फिर जमा करता रहता है। मैं वही सोचती थी जो बाबा ने कहा था ना, 5 अप्रैल का जो वरदान था, शायद 5th या 4th अप्रैल का, कर्मों की गुह्य गति, हाँ में हाँ मिलाना, या फिर किसी की बात ग्लानी करना, क्योंकि सुनेंगे, और मुझे एक अपील हुआ कि मेरे साथ भी हुआ, फिर मैं तुमको सुनाऊंगी, ऐसा हुआ, सरकार ने मुझे ऐसा किया, ये किया, तो अब वो चार को और फैलाता है, तो जितनों को जो फैलाता है वो तो हमको पता है कर्मों की, उस आत्मा का पाप का घड़ा उस सरकार के साथ कितना
स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि मैंने उस सरकार की बात इधर उधर 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 फैलाती गई। गलत है जो भी है, हमको ड्रामा पता है, राइट ऑथोरिटी को बताना ठीक है, लेकिन ये अब फिर बाद में उस जो भी सरकार है उसके साथ उसका बॉन्ड कैसा है, नेगेटिव। अब कुछ वॉर हुआ उस, तो किसको टारगेट होगा, उसने कितना इकट्ठा किया पाप उस सरकार के साथ। तो फिर इसलिए कहते हैं इनोसेंट की हत्या नहीं होती है, कोई भी इनोसेंट नहीं। उसी वॉर में कोई बच जाता है, निकल जाता है। जो हमने ये ऐसे फैलाया पार्क में बैठ के, ये ऐसा है वो वैसा है, फिर तालियां बजाई, बहुत बोला, ये सब वापस हमें ही मिलना है। हाँ भी नहीं बोल सकते, संकल्पों में बिल्कुल ब्लैंक, उस आत्मा को शक्ति दो बस। हम इसलिए हम किसी पार्टी को फेवर थोड़ी करते हैं, इसको ऐसा ये ऐसा कुछ नहीं। और ना वो ऐसे मैसेजेस आते फॉरवर्ड करो, कितना रॉन्ग हो जाता है, जय हिंद करके फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सुना, सब रेडी, सी नो इविल, टॉक नो इविल और थिंक नो इविल। ये ना उस सेंटर पे ऐसा हुआ। हाँ ये बहुत अच्छा है, एक और ऐड किया, स्प्रेड नो इविल, ये भी ऐड करो। उधर ना मधुबन में ना ऐसा हुआ, मधुबन में ऐसा हुआ, ये हुआ। नहीं कुछ भी, संस्कारों की बात तो कहीं भी हो सकती है ना, किसी की भी बात। राइट ऑथोरिटी को बताना है, हम दादियों को बताते हैं, कंसर्न्ड को जहां बताना है, और किसी बहनों को कुछ नहीं बताना ही नहीं। हम इसलिए कुछ बात ही नहीं किया इस बार। तो बाबा कहते हैं इसलिए थिंक नो इविल, सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से असुरी बनते जाएंगे, यह वो है रावण मत। मनुष्य रावण मत पर है तब तो रावण को जलाते रहते हैं। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बीज और झाड़ की नॉलेज है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। अगर सत्यु को लाखों वर्ष हुए हो फिर तो, कितनी लॉजिक बात बाबा ने कही, फिर तो हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए। सत्युग से चला आ रहा है ना, कहते ना आदि सनातन धर्म, सबसे ज्यादा आदम शुमारी तो इसकी होनी चाहिए ना, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, क्रिश्चियंस है फर्स्ट है, फिर बाद में मुस्लिम्स है, नेक्स्ट मुस्लिम। तो अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आती जाएगी, इनको फिर वो गॉडली कैलेमिटीज कह देते हैं। परंतु गॉड थोड़े ही कैलेमिटीज लाते, अकाल हुआ, भूकंप आया, क्यों? अब जब कोई मनुष्य नहीं रिस्पॉन्सिबल दिखता है तो बचा कुचा कौन है फिर? तुम ही हो, तो गॉड तुम्हें, गॉड थोड़ी ही कैलेमिटी लाता है, ये तो ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे रची जाए, महाभारत लड़ाई से ही तो गेट खोलेंगे। तो बाबा, अच्छा बाबा विनाश कराते हैं नई दुनिया स्थापन कराते, बाबा विनाश कराए नई दुनिया स्थापन कराते? दीदी वो तो ड्रामा अनुसार अपने आप होती है। तो बाबा क्या करते? नई दुनिया स्थापन, नई दुनिया स्थापना। परसों प्रधानमंत्री गए थे वहां, क्या किया, इनॉग्रेट किया 7 कैंसर हॉस्पिटल्स का, जमीनों का। तो बड़े लोग क्या करेंगे, इनॉग्रेशन का काम करेंगे, बाकी वो सेना है जो विनाश करना है एलिमेंट्स का, प्रधानमंत्री थोड़ी शूट करता है, वो इनॉग्रेट का काम करते हैं। तो नई दुनिया रचने का काम करता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं
नेचुरल कैलामिटीज तो आती जाएगी, गॉडली कैलामिटीज थोड़ी है। हाँ हाँ पर ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है उन ड्रामा अनुसार, उनको वो थॉट आता है और कोई कनेक्ट नहीं है कि एडवांस पार्टी वहां गई। और जैसे स्थापना का तो कनेक्शन है ना, ब्रह्मा के तन में आया, ज्ञान सुनाया, ये सब है। विनाश का क्या कनेक्शन, ऐसे बताया बाबा ने, उस तरह से नहीं। कोई प्रेरणा देने वाला है, कोई प्रेरक है, वो तो ड्रामा अनुसार क्या आता है, अपने आप वो संकल्प, जैसे बाबा को अपने आप संकल्प आया ना ड्रामा अनुसार, विनाश के लिए प्रेरणा नहीं दे सकते। तो बाबा ने नहीं कहा, नहीं तो मुझे कितना पाप लग जाए। एक बार एक डेढ़ महीने पहले के मुरली का वो क्वेश्चन आंसर था, अगर मैं ये सारी दुनिया का विनाश करूं तो फिर मुझे कितना पाप लग जाए है ना, कैसे मेधाबेन, बाबा नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मंजिल बहुत भारी है, तो कई हिम्मत ही नहीं रखते। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे कि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, अब मैं अमर लोक का मालिक बनाने आया हूं। ये अंतिम जन्म बाप का कहना मानो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। हाँ कल था मदद करो, लौकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना ना माने तो बाप कहेंगे, कहेंगे ना तुम तो कपूत बच्चा हो, बाबा तो सर्वशक्तिवान है, उनके फरमान पर चलने से ऑर्डर है उनका। ऑर्डर भी नहीं है, प्योरिटी क्या है। हाँ ऑर्डिनेंस, ऑर्डर नहीं है, फर्क है ना। तो बाबा क्या कहते, फरमान आज बोला ना, कल बोला मदद, आज बोला प्रतिज्ञा, फिर उनके फरमान पर चलने से मदद भी मिलेगी। फिर बच्चे कहते इस बात पर कहते अच्छा सोचेंगे। बाबा क्या कहते, क्या कहेंगे बाबा, अरे कल शरीर छूट जाए तो वर्षा मिलेगा कहाँ, गया, प्योरिटी नहीं। पांच विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है, माया ने सबको रोगी बनाया है। अब आप कहते हैं हम रोगी है, यहाँ कौन है रोगी थे, अभी क्या है, अभी बोलो बोलो बोलो, योगी है। हाँ योगी, तो रोगी नहीं, पहले थे विकार थे तो रोगी थे। अब बाप कहते मेरी श्रीमत पर चलो, माया तो बहुत विकल्पों में लाएगी, बहुत तूफान आएंगे, देवाला निकल जाएगा, फिर कहेंगे यह क्या बाबा का बना और यह हाल हुआ, बिजनेस फेल अभी हुआ, घाटा अभी पड़ा, देखो बाबा का बना, फिर क्या कहेंगे, अच्छा ऐसा हुआ तो तब क्या करे, संकल्प चलेगा ना, थोड़ा चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कुछ नहीं बोल रहे, ड्रामा का खेल। जब बाबा इसके बने ना तब से बीमारी शुरू हो गई, बिजनेस फेल हुआ। अच्छा ये अच्छे उनका नहीं है, लेकिन कोइंसिडेंस देखो ना, टेस्ट है। अच्छा बाबा कहते हैं फिर कहेंगे बाबा, बाबा का बना तो यह हाल हुआ, परंतु बाप कहते हैं तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तुम तो ट्रस्टी हो गए, वह तुमको पूरा हिसाब दे देंगे, तुम्हारा कुछ है ही नहीं जो वो रखे, तुम चिंता क्यों करते हो। और उस समय देखो एक्चुअली ये तो आनी थी ना परिस्थिति, तो वैसी ही आनी थी ड्रामा में, पर बाबा मिल गया,
इसलिए ड्रामा का ज्ञान क्लियर एकदम परफेक्ट माइंड में होना चाहिए। वो तो ड्रामा में वैसे भी आनी थी, बाबा मिल गया तो एटलीस्ट अब उसको तरीका तो मिल गया कि एडिशनल हिसाब तो ना करे, बिजनेस में लॉस हुआ फिर इसको एक्यूज किया, फिर ये टेंशन किया, शरीर में प्रॉब्लम की, घरों घर में क्रोध बहुत हुआ, ये सब विक्रम बच गए, तो एक ही हुआ बिजनेस लॉस हुआ, बाकी सब तो स्टॉप हुआ। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम जानते हो अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, बाप सेल्वेज करने आए हैं। बाप बिगर स्वर्ग कौन बनाए? कहते हैं द्वारिका नीचे चली गई, अब ऊपर कैसे आएगी? कच्छ मच्छ लाएंगे क्या? कच्छ अवतार मच्छ अवतार बोला ना, ये ड्रामा का चक्र है जिसको समझना है। सत्युग त्रेता जब ऊपर है तब द्वापर कलयुग नीचे चले जाएंगे। अभी सुबह है तो रात थोड़ी है, जब रात है तो सुबह थोड़ी है, तो सत्युग है तो ऐसे थोड़ी है, सत्युग है तो और असुर भी होगा, तो कितना लॉजिकल ज्ञान है। कुछ इसमें कोई हम माइंड वॉशिंग करते हैं क्या, ब्रेन वॉश कर रहे हैं क्या? लोग कहते ना तुम वहां जाते हो ना तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया है, किसी को कमेंट मिला है ये सब? मिला है? हिप्नोटाइज ये सब होता है, ब्रेन वॉश, वैसे ब्रेन ब्रेन क्लीनिंग बोल देते तो ब्रेन वॉश किया ना कोई बात नहीं, अगर किया मतलब हम अगर कमेंट मिला है तो मतलब राइट ट्रैक पे, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। दीदी मैं तो कहती हूँ व्हाइट वॉशिंग होता है हमारा। अच्छा ये अच्छी बात है, व्हाइट वॉशिंग होती है, व्हाइट वॉशिंग अच्छी पॉलिशिंग हो जाती है। तो बाबा कहते हैं मतलब देखो कितने रॉन्ग रॉन्ग बिलीव्स है, तीन तीन घंटा भागवत कथा कर रहे हैं, वो ब्रेन वॉशिंग नहीं था? नहीं था? ये ड्रामा का चक्र है। हाँ तो मतलब दवाई लागू हो रही है, दवाई वर्क कर रही है, तो ये ड्रामा का चक्र है जिसको समझना है। सृष्टि का चक्र इतना बड़ा बनाना चाहिए, देखो कितना अच्छा है, सृष्टि का चक्र इतना बड़ा बनाना चाहिए कितना, जैसे आईने का फुल साइज कप बनाते हैं। बाप कहते बच्चे आईने में अपना मुंह देखते रहो, आईने में अपना मुंह देखते रहो, ये मुरली क्या क्या देखना है, कहां बंदर तो नहीं बन पड़ते हो, बीच बीच में चेहरा देखते है ना, बीच बीच में चेहरा देखते है ना, वो रखते है ना पॉकेट में वो शीशा, अब नहीं रखते तो बीच बीच में देख लेते हैं, तो वैसे पॉकेट में ये शीशा रख लो मुरली, थोड़ा होमवर्क ही रख लो इतना सा पेज। तो बाबा कहते जिनमें विकार है वो बंदर से भी बदतर है, देवताएं भी मंदिर लायक है। वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता, मंदिर सिर्फ देवताओं का होता है, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यहाँ पवित्र शरीर तो मिल ना सके, मनुष्य कितने यज्ञ रचते, कथाएं सुनते रहते, बाप तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते हैं, जिसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बाकी सब यज्ञ खलास हो जाते। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं है। रुद्र की और सालिग्रामों की पूजा होती है, कितने सालिग्राम बनाते हैं, शिव तो एक ही बनाते हैं, प्रजा तो ढेर बनेगी, बनाते हैं ना वहां सालिग्राम, इसमें है वही जम्मू वाला मंदिर, कौन सा नाम है उसका, रघुनाथ मंदिर, उसमें हॉल्स है, हॉल्स में ये सब सालिग्राम की है। पूजा होती है ना उसकी, पाइप से पूजा, पानी स्नान हो गया फिर
फिर वो ये क्या बोलते हैं तिलक, ये तिलक हो गया, फिर प्रसाद बूंदी फेंक दी, हम संतुष्ट। शिव तो एक ही बनाते, प्रजा तो ढेर बनेगी, इतने थोड़ी बना सकेंगे शिव बाबा, और तुम बच्चों की पूजा होती है क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो, तुम हो शिव शक्तियां, सेल्वेशन आर्मी। ऐसे बहुत है जो स्वयं को सर्वोदय लीडर कहते हैं, अब सारी दुनिया पर दया तो कोई कर ना सके। ये कितना उन दिनों फेमस हुआ था ना 60s में, विनोबा भावे का सर्वोदय मूवमेंट, सर्वोदया लीडर, सब पर रहम करने वाला रहम दिल शिव बाबा को ही कहा जाता है। मनुष्य नाम तो बड़े बड़े रखवाते हैं, देखो बाबा की तरह कोई रहम कर भी सकता है क्या? मर्सी, जो बाबा ने डेफिनेशन मर्सी की बताई, तो सर्व पर रहम करने वाला उसका ही काम है। सर्व पर दया व कृपा करना, वो बाबा की कौन सी है बोलो? अजय भाई बताएंगे, बाबा सब पर दया व कृपा करते, कैसे नहीं पता? हाँ हाँ, सबको मुक्ति अर्थात सुखधाम में ले जाना, शांतिधाम और सुखधाम में ले जाना, ये है ना दया व कृपा। ये काम तो एक परमात्मा का ही है, सभी का गति सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। मनुष्य किसी की सदगति कर नहीं सकते, एक की भी नहीं कर सकते, एक की भी नहीं, इम्पॉसिबल है। सेंटर पर मुरली ना हो, खाली क्लासेस हो जाएगी सदगति? मनुष्य किसी की भी सदगति नहीं कर सकते, ये मुरली है जो हमको सबको बाइंड करके रखी है। तो सभी का सदगति सदगति दाता एक ही शिव बाबा है, एक की भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तुमको कहते तुम लोग शास्त्र को नहीं मानते, तो लेकिन जो चीज सामने है आंखों से देखते हैं मानते कैसे नहीं? परंतु अभी हम श्रीमत पर चलते हैं जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। हम शास्त्रों को मानते हैं, अच्छा हम शास्त्र, हम शास्त्रों की मानते हैं, जो उसमें बताया वैसे करना, उन्होंने उसमें कह दिया गीता में काम महाशत्रु है, हम मानते हैं उसकी, मानते हैं और करते हैं। और आप गीता को मानते हो, हम ये मानते हैं काम महाशत्रु है, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है। तो कौन सा किसका मानना ठीक है? आप गीता को मानते हो, भागवत को मानते हो, हम ये मानते हैं उसमें जो जो स्टेटमेंट्स है। और तो ऐसे बाबा कहते हैं, ऐसे बहुत है। तो ये काम तो एक परमात्मा का ही है, सभी का गति सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। श्रीमत है, अभी हम तो श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत है भगवान की, श्री कृष्ण की मत पर नहीं चलते। कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्म में श्रीमत से ऐसा श्रेष्ठ देवता बनी थी, ततत्वम उनकी राजधानी भी होगी ना। अकेला कृष्ण क्या करेगा? कांटों से फूल बाप के सिवाय कोई बना ना सके। बाप आया है तो जरूर स्वर्ग रचेगा ना, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी? जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था। अब देखो पर, जो हाईएस्ट अथॉरिटी कहीं जाता है तो बहुत बड़ा पर्पस होता है, कितना बड़ा इनॉग्रेशन था। तो बाप आएगा तो जरूर स्वर्ग रचेगा ना, वो बेस्ट जो अपना वही वाला काम करेगा ना। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर से बना रहे, वहां भी मंदिर आदि होंगे नहीं। तुम जानते हो बाबा भारत में आया है भारत को स्वर्ग बनाने? बाबा ने समझाया है
माया के तूफान तो सभी को आएंगे आएंगे, माया के तूफान खुद से भी आ सकते और लोगों से भी आ सकते। अच्छा, बाबा से आकर पूछो, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो, कुछ ऐसे में अटक जाते तो पता पूछो, संकल्प जो विकल्प बन जाते हैं उनका भी अनुभव पूछो। फॉर एग्जाम्पल, संकल्प विकल्प बना, पूछो बाबा को, बाबा सबसे आगे है तो इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। कितना आज एक बाबा के वो चित्र था ना, ये नीचे वो सब पिकेटिंग थी, वो बच्चे चुपचाप बैठे हुए थे और ये बड़े, आपने देखा होगा ना साकार बाबा का चित्र, सोए हुए है वो सब उनके बड़े ना, देखना वो चित्र हम दिखाते रहते बीच बीच में हमेशा, और ऊपर बाबा टेरेस से देख रहा है, भूखे प्यासे बच्चे वो कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर कर रहे, नहीं ले रहे, छोटे छोटे बच्चे है ना, वो चित्र देखा होगा, नहीं ले रहे, बाबा देख रहे ऊपर, बाबा को दया नहीं आती कि प्यासे है वो है, बाबा ने कुछ ऊपर से पानी वानी कुछ नहीं भिजवाया, वो तो वहां खड़े थे ना एकदम दरवाजे पे, और ये बच्चे उनका भी नहीं ले रहे थे और बाबा ने तो भिजवाया नहीं, बाबा को बिल्कुल उस समय नष्ट मोहा, क्या किया बाबा ने, केवल हेल्प तो किया ही होगा ना, पर सकाश से। तो बाबा की न्यारी और प्यारी स्थिति कैसी थी, कितनी पावरफुल थी। तो बाबा ये कह रहे हैं, ये बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा हर बात के अपने सामने होकर भी नष्ट मोहा स्टेज, ये स्थिति। तो बाबा सबसे आगे, तो इन तूफानों से पास होते जरूर है। हम बाबा को याद करते फिर भी माया कम नहीं है, जितना रुस्तम उतना माया पूरा सामना करेगी, डरना नहीं है। बाबा वो कहेंगे ब्रेन वॉशिंग, लेकिन रुस्तम से तो माया रुस्तम होकर लड़ेगी ना। लिखते हैं बाबा, माया को बोलो कि तंग ना करे, परंतु माया तूफान तो मचाएगी ना, डरना नहीं है। दादी को पूछा, जानकी दादी को, कि तुम्हारे में इतनी आत्म ताकत किसकी है, कैसे आई, मतलब कौन सी ताकत है। तो दादी ने कहा, मुझे लोक लाज का डर नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है, लोग क्या कहेंगे वो ताकत है मेरे में। अच्छा, तो माया तूफान बहुत मचाएगी, डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है, बाप को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। बाप के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। दूसरा है, मनुष्य के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेशन आर्मी बन पार करना है। डूबे हुए बेड़े को सेल्वेशन आर्मी बन पार करना है। बाप का मददगार बन पूजनीय लायक बनना है। अच्छा, वरदान है, हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है, हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना है।
यदि संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना, सफलता अर्थात दोनों बातें हैं, वर्तमान में और भविष्य में, भविष्य के लिए जमा करना और वर्तमान में सफल करना। अब हर श्वास हर खजाने को सफल करना, एक सेकंड भी मिला चलो यूटिलाइज करो, उसको बेस्ट यूज करना है। एक सेकंड मिला तो एक गुणों को सफल करो, संकल्पों को सफल करना। सेकंड श्वास खजाना संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क। वो आत्मा मेरे कांटेक्ट में आई इस मीटिंग में, चलो सफल करो थोड़ा उसको। कैसे सब मीटिंग में भी संबंध संपर्क में सफलता, सब प्रकार की सफलता। अच्छा स्लोगन है, जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करना करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। संकल्प में भी कोई आकर्षण मतलब वही है, प्रभाव में नहीं आना, ऐसे ही कहेंगे ना। अच्छा जी, अव्यक्त इशारे, आज 30 तारीख लास्ट। सदा स्मृति रहे कि मैं मास्टर विश्व निर्माता हूं, निर्माण का कार्य करने के लिए निर्माणता अर्थात सरलता का गुण नेचुरल रूप में होना चाहिए। जहां सरलता है वहां मधुरता नम्रता आदि अन्य गुण स्वतः आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, सरलता है वहां मधुरता नम्रता आदि गुण, तो सदैव स्मृति स्वरूप में स्थित रहे, स्वयं को मास्टर विश्व निर्माता समझ कार्य करो तो माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। निर्माणता अर्थात सरलता का गुण, एक्चुअली सरल जो आपने कहा मैं मान लू, अगर हम बहुत उसके इंटरप्रिटेशन में जाते हैं ना, शायद इसका मतलब ये मीनिंग है, शायद है, हम अपने आप को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। नहीं होता, सिंपल सरल। अगर आप कुछ बोल, कोई दूसरा मुझे कुछ बोल रहा है और एक्चुअली भाव कुछ और है तो वो उसकी प्रॉब्लम है ना, उसकी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए या तो दिव्य बुद्धि चाहिए या सरल बुद्धि चाहिए, लेकिन कंफ्यूज हो रही है वो दिव्य बुद्धि नहीं। तुम कुछ कह रहे हो, मुझे लगता है शायद यही है और मैं कंफ्यूजन में हूं, या डिवाइन बुद्धि है, या मुझे पता है ये क्लियरली ये बात ऐसी नहीं है, सरल।